वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। मेरा नाम है पायल। और मेरा नाम है खुशबू। सो गाइस, आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं Q&A वीडियो। आप लोगों ने इतना मतलब इतना हमको बोला है कि Q&A वीडियो लाओ, Q&A वीडियो लाओ, Q&A वीडियो लाओ। सो फाइनली हम लोग ला दिए हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस के हम लोग मतलब आंसर्स देने वाले हैं ना। हाँ। और हम अपने बारे में तो आपको बता ही सकते हैं क्योंकि आप लोग हो हमारी फैमिली। यस, सपोर्टर्स हो आप हमारे, तो आपको बताना हमारा फर्ज है। हाँ। आप लोग हमारे बारे में कुछ जानोगे ही नहीं तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चलेगा। वैसे तो ब्लॉग से आप लोगों को बहुत कुछ पता चल भी गया होगा, लेकिन कुछ कुछ बातें होती है जो हम लोग ब्लॉग में नहीं बताते, वो सारी बातें आज पता चल जाएगी। जैसे हमारी जर्नी जर्नी। सो सबसे पहले है रैपिड फायर पायल दीदी के लिए, ठीक है? स्टार्टिंग में मेरे से ही शुरू हुआ है। चलो, फेवरेट कलर ब्लैक। फेवरेट फ्रूट मैंगो। ओहो, फेवरेट सॉन्ग दिल दिया गल्ला। फेवरेट सिबलिंग खुशबू। ये क्या कुछ भी खुशबू, अब बताओ। फेवरेट अमन भैया भी तो बोल सकती थी या फिर दोनों तो बोल सकती थी, मुझे बुरा नहीं लगता है। ऐसा नहीं होता है, देखो भाई एक ही होता है। उन्होंने सिबलिंग्स नहीं लिखा था, सिबलिंग लिखा था। सिबलिंग्स लिखा है बहन, ऐसा है दोनों है भाई। चल 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 ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स। ओके, फेवरेट वेजिटेबल। वेजिटेबल कटहल। कटहल हाँ हाँ, जैकफ्रूट। ओके ओके, फेवरेट सिटी। सिटी अहमदाबाद। ओके, फेवरेट कंट्री। कंट्री मेरा भारत। इंडिया। इंडिया। फेवरेट जंक फूड। जंक फूड पाव भाजी। वो जंक फूड कहते हैं? हाँ, बाहर ही खाते हैं ना। जंक फूड होता है। हाँ। अरे कोई भी फूड हो, लेकिन पाए को पाव भाजी बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह शाम ब्रेकफास्ट डिनर लंच में आप दे दोगे ना पायल को मतलब पाव भाजी, तो ये बहुत ही मतलब आराम से आनंद ले लेके खाएगी। हाँ। चलो गाइस, सेम टू सेम है ना, हम खुशबू से पूछते हैं क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस निकाले, उसमें एक भी रैपिड फायर है ना खुशबू के लिए नहीं आया। आया था भाई, मेरे नजरों में नहीं आया था। बस उसमें दो ही क्वेश्चन थे, तो मुझे दो क्वेश्चन का जवाब नहीं देना था, मुझे पांच छह क्वेश्चन का जवाब देना था, तो मैं दीदी वाला ही रैपिड फायर उठा के मैं अपने बारे में बताऊं। चलो, फेवरेट कलर पिंक। ओके, फेवरेट फ्रूट मैंगो। मैंगो क्या होता है? मैंगो। फेवरेट सिबलिंग बोथ। ओह, महान बनना था, महान बनना था। तो खुशबू महान है, रहेगी और थी। चलो, फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। ओके, क्या साइंस? साइंस के पेपर के दिन ही रोती है झूठी। साइंस के पेपर के दिन ही रोती है। इसके एक भी सब्जेक्ट है ना फेवरेट नहीं है, सिर्फ पढ़ती है ये। चल, फेवरेट वेजिटेबल ड्रमस्टिक। सरगवा भी बोल सकती थी, महान बनने के लिए ना ड्रमस्टिक। फैशनेबल ड्रमस्टिक। इंग्लिश मीडियम सरगवा। ओके, फेवरेट सिटी अहमदाबाद। ओके, फेवरेट कंट्री मेरा भारत महान। फेवरेट जंक फूड मंचूरियन। सो स्टार्ट करते हैं, फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग जल्दी जल्दी, मुझे सारे सॉन्ग्स पसंद है। ऐसा कोई फेवरेट बोलने तो दे बहन, मुझे सारे सॉन्ग्स पसंद है, ऐसा कोई फेवरेट है ही नहीं। फेवरेट जंक फूड। फेवरेट पानी पूरी। फेवरेट कलर। फेवरेट कलर ब्लैक। फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट। रहने दे भैया, क्या क्या ये ऐसे ही बोल रहे हैं, जब मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, फेवरेट वेजिटेबल्स नो वन की इसको पोटैटो पसंद है, वो भी अपनी पसंद है बोलो। फेवरेट कंट्री इंडिया। फेवरेट सिटी मुंबई। ओहो, मुंबई जाना है? हाँ भाई जाना है, इसको एक्ट्रेस बनाना है तो वहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक है, फेवरेट फेवरेट फ्रूट। फेवरेट पाइनएप्पल। इसके बर्थडे के वक्त है ना, इसने हमें यही बोला था कि हमें गिफ्ट में है ना पाइनएप्पल ही दे दो, कुछ देने की और जरूरत नहीं है। देखो कितना एक्सपेंसिव सा गिफ्ट मैंने मांगा था, तो फिर पता नहीं है 180 रुपए किलो है। 180 रुपए नहीं है, 100 रुपए, मुझसे पूछो गाइस। उसके पाइन एप्पल का सबसे बड़ा फैन तो मैं हूँ। फेवरेट सिबलिंग्स। फेवरेट सिबलिंग्स खुशबू। ये बोल के मैं बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए पायल भी है। ये दिल से बोली हुई बात नहीं थी, पहले जो नाम निकलता है ना वो
वही फेवरेट होता है। जैसे तूने भी बोला खुशबू, खुशबू सबकी फेवरेट है, तेरी भी फेवरेट है। भले वो मेरे साथ बुरा करे फिर भी मैं खुशबू का ही नाम लेती हूं। क्या कुछ बुरा नहीं करती है? आपको लगता है कि बहुत इनोसेंट है, ये बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। हमारे पूरी फैमिली मेंबर को पता है ना कि ये बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तीनों की एज क्या है? लड़कियों से कभी एज नहीं पूछा जाता और लड़कों से कभी पैसे पूछे नहीं जाते कि वो कितने कमाते हैं। चल बता। मैं ही बताऊंगी। बता। मैं नहीं बताऊंगी। जैसे तू बर्थडे मनाती है तो पता ही नहीं चलता होगा ना इनको। 18 इयर्स की हूँ। ओके। घर लगता नहीं होगा, वो आपको आपकी गलत फैमिली है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं 18 इयर्स की हूँ और इसमें भी मुझे कमेंट्स आते कि आप शादी कब करोगी। मैं 18 इयर्स की हूँ, कैसे शादी कर लूँ? रिश्ते भेजते इसको। अच्छा है ना, अभी इसको क्या समझते हैं गाइस, इसको क्या समझते हैं? सबसे बड़ी पायल है फिर मैं हूँ फिर खुशबू है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मैं हूँ फिर पायल है फिर खुशबू है और मेरी एज है 20 इयर्स। हाँ, मैं भी नहीं लगता हूँ गाइस 20 साल का हूँ, मैं भी लगता हूँ कि 15 साल का ही हूँ, लेकिन मैं 20 साल का हूँ, मानो चाहे ना मानो। एक तो मेरी आवाज इतनी यूनिक है, आवाज की वजह से तो और भी नहीं लगता है कि मैं ना 20 साल का हूँ, क्योंकि मेरी आवाज जो है जैसे काफी लड़कों की जैसी होती है ना वैसी आवाज नहीं है। मेरी आवाज ना बहुत ही ज्यादा यूनिक है। हाँ, और उसका भी बहुत ही फायदे होते हैं, वो आप लोग समझ ही सकते हैं। हाँ, अब मैं अपना एज बता दूँ? हाँ बोल। मेरी एज तो सबको पता ही होगा, अभी तो बर्थडे सेलिब्रेट किया तो 15 बिहारी आ गया। आपका एम क्या है? मेरा एम बहुत सारे एम है, मैं अभी रिवील नहीं कर सकती। जब मैं वो एम वाला मेरा जो एम है ना वो मैं बन जाऊंगी ना, तभी मेरा एम सबको रिवील करूंगी। हाँ गाइस, समय से पहले बताना भी मतलब अच्छा नहीं होता है, वो भी इतने सारे लोग जानेंगे और पता नहीं किसका क्या सोच होगा अगर नहीं हो पाया तो। इसलिए इसका जो है एम वो सीक्रेट रखा है हमने। हाँ, सीक्रेट ही बोलते हैं। टॉप सीक्रेट। हाँ वो रखा है, लेकिन हम दोनों का बता देते हैं। ये बनना चाहती है एक्ट्रेस और मैं बनूंगा छाता पकड़ने वाला। क्योंकि हम भाई बहन साथ साथ रहेंगे, बचपन से ही साथ में सारी चीजें की है हमने, और मैं इन दोनों को मैनेज करूंगी और उसके रिलेटेड ही कुछ है। ओके ओके, जब बन जाएगी तब पता चलेगा। मतलब 3-4 साल है और अगर हम मतलब वीडियोस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो कभी और बनाएंगे, अगर हमारा इच्छा हुआ तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? हाँ। चलो, आपका पूरा नाम क्या है? वो तो सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। यूट्यूब चैनल अमन डांसर रियल खोलने का आइडिया सबसे पहले किसका आया था? जिसके नाम से चैनल है उन्हीं को आया था। हाँ, और अमन डांसर रियल आज मैं बताता हूँ मैंने क्यों रखा है। मैं कोई भी प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, डांसर ही नहीं हूँ मैं पहली बार, लेकिन बचपन से हम करते आ रहे थे तो थोड़ा थोड़ा हमें आता है। हाँ, और थोड़ा थोड़ा आने से हमको ऐसा लगता था, मतलब भैया को लगता था कि वो बहुत बड़े डांसर है। यस, कि मैं बहुत ही बड़ा डांसर हूँ। ये बात नहीं, एक और स्टोरी है। पता है पहले ना हम टिकटॉक वीडियोस बनाते थे, उसमें कोई लकी डांसर था। हाँ, हाँ, लकी डांसर हाँ, है ना? हाँ, हाँ। तो मैंने ऐसे ही ना मतलब वो तो बहुत ही फेमस थे तो उनको मैंने सोचा कि वो फेमस है तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, अमन डांसर रख लूंगा। तो मैंने भी रख लिया अमन डांसर और रियल, पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, मैंने रियल रख दिया। अच्छा। तो अमन डांसर रियल, और मैं अब चाहता हूँ कि चेंज कर दूं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। अब स्टार्टिंग से वही है। हाँ। तो वही रखते हैं, ये नाम में क्या है, काम से मतलब होना चाहिए। यस, परफेक्ट है ना। आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आपको पता चला कि आप पॉपुलर हो गए हो? बहुत अच्छा था, बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है। कभी कभी मतलब हर एक चीज की पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। पहले हम ऐसे आराम से मतलब मस्ती में घूमते थे, मस्ती करते थे, जो चाहे वो करते थे। हाँ। लेकिन अब हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हम एकदम ऐसे प्रेजेंट टेबल पे ले जाते हैं। पहले है ना हम नाइट सूट में निकल जाते थे, पर अब ऐसा लगता है नहीं, अब अच्छे से रेडी होके जाएंगे, क्योंकि अगर कोई सब्सक्राइबर मिल गया तो क्या करेगा। हाँ वही, हम मतलब अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाना पड़ता है इन दोनों को। मैं तो अभी भी नाइट सूट में ही जाता हूँ। इसके लिए मेरे पापा मुझे है ना कितना डांटते। पॉपुलर हो रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हम मर्जी से अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो चाहिए वो ले पा रहे हैं। हाँ, मतलब अच्छा लगता है तैयार होकर वीडियो बनाना, अच्छा लगता है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप एडिटिंग कैसे मैनेज कर लेते हो? वो मैनेज है ना सिर्फ यही एक व्यक्ति करते हैं, बाकी कोई इधर है ना एडिटिंग नहीं करता है। इनका इंस्टाग्राम रील से लेकर, मेरा इंस्टाग्राम रील से लेकर, यूट्यूब वीडियो के शॉर्ट से लेकर, यूट्यूब वीडियो के लॉन्ग वीडियो से लेकर,
सब कुछ मैं अमन डांसर रियल का एडिट करता हूँ, मैं फोटोज में अपनी एडिट करता हूँ। हाँ फोटोज ये, और इसके फोटोज मैं पहले एडिट करता था, जो आप मतलब बड़े हो जाते तो पसंद नहीं आता है, तो अब इसको पसंद नहीं आता है तो ये अब खुद एडिट करती है। मेरा ऐसा फिल्टर लगाता है ना भैया फोटो में, मैं भूत लगती हूँ। चलो आपका आगे का क्या प्लान है, आप आगे YouTube कंटिन्यू करोगे या फिर कुछ और? YouTube कंटिन्यू करेंगे लेकिन साथ में एक बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके रिलेटेड अभी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपके लिए सरप्राइज है। वो आने में लगभग 6-7-8 महीने लग जाएंगे क्योंकि कुछ बड़ा करने वाले हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगी और आप लोग आंसर देते रहना, नहीं तो मैं पूरी वीडियो में ऐसी बैठी हूँ। और देखना फोन ना बंद हो जाए। नहीं नहीं होगा। आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते? डेली व्लॉगिंग हमसे नहीं हो पाएगा, 20 बार हमने ट्राई किया है भाई। डेली व्लॉग करना यानी बहुत बड़ा, हर दिन क्या बनाने वाले हो वो सोचना, फिर एडिट करना, फिर मतलब कौन अवेलेबल है, किसकी एग्जाम्स आने वाली है, कौन क्या मतलब कहाँ पे है, वो सारी चीजें मैनेज करना नहीं हो पाता है। हाँ, हमने एक बार ट्राई किया था तो 7 दिन तक आई थिंक बनाया था। हाँ, है ना? हाँ, उसके बाद लेकिन उसके बाद किसी की एग्जाम आ जाती थी, किसी की एग्जाम आ जाती थी, तो उसी में मतलब हम नहीं बना पाए। मतलब हर बार स्टार्ट किया हर बार टूट जा रहा है, हर बार स्टार्ट किया हर बार टूट जा रहा है। इसलिए हम लोग है ना अब रॉन्ग प्रॉमिसेस नहीं करेंगे, हम लोग डेली ब्लॉगिंग करेंगे। वही तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो और आप लोग इतना वेट करते हो जो हमसे नहीं जाता है। वही तो, अभी तो मुश्किल से हम लोग मतलब वीडियोस भी बना पा रहे हैं, तो डेली ब्लॉगिंग का तो सवाल ही नहीं होता। पर हो सके तो जब हम 24, 25, 26 के हो जाएंगे तब हम करेंगे, अभी तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है, पता ही होगा कॉन्ट्रैक्टर। तो 6-7-8 महीने के बाद हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पापा भी पार्टनरशिप में होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप सोशल मीडिया पे कैसे आए? तो हम लोग ने स्टार्ट किया था टिकटॉक से, यूट्यूब से पहले हम टिकटॉक पे थे, और टिकटॉक में मैंने स्टार्टिंग किया था पायल के साथ। हाँ। लेकिन पायल ने मेरे साथ धोखा किया, उसने वीडियोस बनाई मेरे साथ लेकिन हम दोनों का तालमेल ही नहीं बन रहा था, मैं सच बता रहा हूँ। तो हमने वो छोड़ दिया, फिर मैंने अकेले वीडियोस बनाई तो वो वीडियोस चली ही नहीं। ऑलमोस्ट मैंने 200 जितनी वीडियोस बनाई थी ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक, लेकिन एक भी वीडियो मेरी वायरल नहीं। फिर एक दिन मतलब मैं सो रहा था और फिर मैंने उठते ही मैंने खुशबू के साथ वीडियो बनाया, और उस दिन हमने 5 वीडियो बनाई थी, 5 में से 3 वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी खुशबू के साथ। हाँ, और बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद है ना हमने सोचा कि अब हम है ना रोज वीडियो बनाएंगे टिकटॉक पे, और हमने बनाया भी 1-2 महीने तक। फिर उसके बाद है ना ये नाटक करने लगी, फिर हम दोनों का भी तालमेल बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये रोज आती स्कूल से, रोज नाटक करती, रोज आती रोज नाटक करती। तो मम्मी क्या करती मैं आपको बताता हूँ, इसको एक्ट्रेस बनना था लेकिन मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है, एक्ट्रेस बनना है मतलब मेहनत नहीं करना, ऐसे नहीं मिलेगा। तो मम्मी क्या करती थी, ये जब सोती थी ना, मम्मी को बड़ा शौक था कि मेरी बेटी कैमरे पे आए, टीवी पे आए, और शौक था क्या, अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, शौक है तो वो पूरा होगा ही, मेरे को ऐसा लगता है एक ना एक दिन तो होगा ही, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब स्लो कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं, है ना। हाँ। मतलब आप लोग पसंद तो कर रहे हो। तो क्या करती थी मम्मी, मैं बताता हूँ। हाँ, तो बता, आपकी तारीफ ही है। ये नाटक करके मतलब गुस्सा गुस्सी करके ये सो जाती थी, तो मम्मी को तो इच्छा होता था कि ये मेरी मतलब बेटी फेमस हो जाए। तो मम्मी क्या करती थी, ये जब सोती थी ना तो मम्मी सोए हुए चेहरे पे मेकअप कर देती थी, मतलब खुशबू ऐसी सोई है मम्मी उसके ऊपर मेकअप कर रही है, फाउंडेशन, आईलाइनर, बिंदी, और बचपन से ही मतलब हमारे पास कपड़े नहीं होते थे। हाँ, तो मैं है ना, मेरे पास तो बिल्कुल कपड़े नहीं हुआ करते थे, कपड़ों के मामले में मैं अमीर थी। एक दो कपड़े मेरे पास थे और हाँ, एक दो कपड़े भैया के पास। खुशबू के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, पायल के कपड़े पहनती थी या फिर मम्मी की बचपन से ही साड़ियाँ पहनती है खुशबू। हाँ, हाँ। पता नहीं इसको साड़ी से ऐसा क्या लगाव है, इसको मतलब साड़ी ही मतलब प्रेफरेंस है इसकी। हाँ, मतलब बचपन से ही, जब मतलब ऑलमोस्ट 10 साल की थी ना तब से, 10 या 9 साल की होगी थी, 9 साल की थी ना तब से ये साड़ियाँ ही पहनती है मम्मी की। हाँ, सो है ना, मैं दीदी से बोलती थी कि दीदी मुझे ये कपड़े दे दे, पर मेरी दीदी साड़ी, मैं तुझे कपड़े नहीं दूंगी, वो है ये, लेकिन अगर नहीं देती होंगी तो मेरे सारे कपड़े से वीडियो कैसे बन गया। वो तो चुराते थे।
अब पहन लेते थे तो अब तू निकाल तो सकती नहीं थी। हाँ। ऐसा नहीं है तो मतलब दिया तुम कह रहे। अरे यार हम क्या बता रहे हो, तुम लोग कहाँ चले जा रहे हो यार, मुझे गलत साबित। हाँ चलो तू चुप बैठ, तुझे बोला ना शांति से इधर बैठ। मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं थे और भैया के पास भी ज्यादा कपड़े नहीं थे, तो भी हम वीडियोस बनाते थे और एकदम गंदे लगते थे गाइस। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, वायरल हो रहे थे, लेकिन एकदम बकवास रीत से वायरल हो रहे थे हम लोग। हमारे पास वो एक छोटा सा 150 रुपए वाला मेकअप किट था और आपको पता ही होगा कि उससे कलर्स कैसे वो मेकअप करती थी, इतने गंदी लगती थी खुशबू, इतना गंदी लगती थी, फिर भी हम लोग वायरल हुए। हमारे मतलब हमारे मतलब टिकटॉक पे जो वीडियोस जो थे उस पे लाइक्स आते थे 1 मिलियन, 500K लाइक्स, मतलब 400K तक भी जा रहे थे। लेकिन एक दिन आप सबको पता है वो टिकटॉक बैन हो गया और उसके बाद वो भाई धम, उसके बाद मतलब क्या पूरे मतलब 5-6 दिन तक तो हमने एक दूसरे से बोला ही नहीं कि अब हम क्या करेंगे। जब मैंने मतलब टिकटॉक स्टार्ट किया था ना तो तब मतलब मेरी जो पढ़ाई थी वो छूट गई थी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए भी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे करके मम्मी पापा जो है वो खुशबू और पायल को पढ़ाते थे। एक साल निकला ऐसे करते करते। हाँ फिर पायल की भी स्टडी छूट गई, मेरे 2 साल बिगड़े हैं गाइस और इसका 1 साल बिगड़ा है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी हमारे घर में पैसे नहीं थे। खुशबू की पढ़ाई हमने अभी तक रुकवाई नहीं है, मैं वो सारी इनकी सिचुएशंस देखी हुई है, सो मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, कोई भी जान मुझसे गरीब नहीं बनता है, ठीक है हालात बना देते, लेकिन वो मतलब दौड़ से हम लोग निकले। तो फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करें, हमने सोचा कि नहीं भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा जिससे हमको अच्छी खासी अर्निंग हो, तो हमने सोचा कि हम लोग YouTube करेंगे। और YouTube जब मैंने स्टार्ट किया था एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, ना एक सब्सक्राइबर ना एक कुछ भी नहीं, एकदम जीरो से। और YouTube पे ऑलमोस्ट मैंने है ना 6-7 महीने जो है वो वीडियोस बनाई थी, और उस दौरान हमने बहुत सारी मतलब वो बोलते हैं ना क्या बोलते भैया पीठ पीछे लोगों ने बहुत बोला था, लेकिन अब हमारे रिलेटिव्स भी बना रहे वीडियोस। समझ रहे हो 6-7 महीने के बाद हमारा YouTube जो YouTube चैनल पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई और उसके वजह से मेरी सारी वीडियोस वायरल हो गई। पता नहीं लोगों को क्या हमारे में दिखा कि उन्होंने हमारी सारी वीडियोस देख डाली, तो उसके बाद से हमारी सारी वीडियोस वायरल हो गई धीरे 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 रफ्तार। मतलब सब्सक्राइबर तो क्या बढ़ रहे थे, 10,000, 15,000, 17,000, 20,000, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है। हाँ, फिर 6-7 महीने बाद हमारा फर्स्ट इनकम आया और तब इतनी खुशी आई थी, और बहुत बड़ा इनकम आया था ना हमारे लिए, वो इनकम बहुत ही बड़ी थी, भले मतलब जिसने बड़ी नहीं थी लेकिन हमारे लिए बड़ी। हाँ भाई बहुत बड़ी थी, मतलब मम्मी ने बोला है बताने को नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह में है पर मैं बता नहीं रहा हूँ, आधी चीजें तो बताई ही नहीं है मैंने, इसमें से बहुत चीजें हमने कट किया है, क्योंकि अभी हम लोग बताने के लिए बहुत छोटे हैं, बाद में बताएंगे रिलेटिव्स का सेक्शन क्योंकि वही बाकी रखा है हमने, वो तो मेन सेक्शन था जो हमने अभी नहीं बताया, उसका 5% ही बताया। अभी तो क्या क्या हमने झेला है गाइस वो चीज थी, और फिर यूट्यूब इनकम आया, हमारी लाइफस्टाइल पूरी की पूरी चेंज हुई है, मतलब हम लोग ने जो नहीं सोचा था वो इस छोटी सी उम्र में भी हम लोग ने सारी की सारी चीजें जो है वो ली है। कॉमन डांसर रियल नहीं होता तो हम लोग इतनी जल्दी तो ये सब नहीं कर पाते। कुछ तब हम लोग कब सोचते हैं कि जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है हम कुछ नौकरी करते उसके बाद ये सब होता है, लेकिन तो पढ़ाई के साथ साथ ये हो रहा है। हाँ मतलब अब हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में ये सब चीजें भी बैलेंस कर रहे हैं और हमें करने में मजा भी आ रहा है, लेकिन कभी कभी हम यूट्यूब चैनल पे ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पाते क्योंकि सोचने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वीडियोस बना के डाल देते हैं, अगर कुछ भी वीडियोस बना के डाल देते हैं तो बहुत सारे मतलब मजाक भी उड़ता है। मेरी लाइफ चेंज कर दी है, आप लोगों को थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा ही बोल दिया मैंने बस गाइस आज के लिए इतना ही, अभी मतलब और डिटेल में जानना चाहते हो। हाँ, लेकिन है ना आप लोगों के क्वेश्चंस थोड़े कम थे, एक ही टाइप के बहुत ज्यादा थे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग आप हमसे सवाल पूछो और हम उसका वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, तो हम लोग मतलब वीडियोस बनाए, हमको बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग के साथ ये सारी चीजें शेयर करने में। हाँ, लेकिन यही सेम मतलब क्वेश्चन मत पूछना प्लीज, क्योंकि अगर सेम होगा तो हम बार बार कितनी बार आंसर करेंगे, वही तो एक एक चीज कितनी बार बताएंगे, और
और रहने दे तू गाइस. अब अगर आप चाहते हो कि हम अपनी मतलब यूट्यूब चैनल अमन डांसर रियल की जर्नी अच्छे से बताए, पॉडकास्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, इंटरव्यू में बताऊंगा, वो मैंने मतलब अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, पूरा 2 घंटे लेकर बताऊंगा. होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.